बहुत सारी हमारी ऑडियंस या बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि मैम हम अपने चैनल पर कितना वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो होगा। किसी ने आकर कमेंट किया कि मैम मैंने अपने चैनल पर 100 वीडियो अपलोड कर दिया, किसी ने आके बोला कि 200 वीडियो अपलोड कर दिया, किसी ने कहा 50, किसी ने कहा 25, तो समथिंग मतलब मैम ये मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब कितनी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे फिर हमारा चैनल ग्रो होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछे जा रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कि मैम मतलब हम कितनी वीडियो अपलोड करेंगे, समथिंग यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद चैनल को ग्रो करता है। तो आज मैं उनके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा कि कितनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, अपने चैनल पर समथिंग अपलोड करेंगे तो उनके चैनल को ग्रो कर देगा और बूस्ट मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, इसलिए बिना स्किप किए देखिएगा, तभी मैं आपको समझा पाऊंगी कि आप अपने चैनल पर कितनी ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे या कितनी वीडियो अपलोड करेंगे जो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। तो आई होप वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड एंड नॉलेजेबल है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो भैया तो क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो होगा। अब मान लीजिए मैं समथिंग 10 वीडियो अपलोड कर लेते हैं, कुछ हम चैनल का उदाहरण दे दे रहे हैं कि देखिए इतनी सारी वीडियो अपलोड कर लिए, 3-3 साल हो गया लेकिन चैनल ग्रो नहीं हुआ, और किसी का 10-20 वीडियो पे ही चैनल ग्रो हो गया, चैनल मोनेटाइज हो गया और अच्छे खासे पेमेंट भी ले रहे हैं। जैसे कि बहुत बड़ा क्रिएटर्स है, बहुत बड़े चैनल हो गए, अभी फिलहाल के लिए बहुत बड़ा नहीं हो गया लेकिन हो गया, मेरे हिसाब से बड़े ही। आप लाइकली टॉपिक्स अमन को देख लीजिए, मैं साइड में उनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिखा भी रही हूँ, उनका अबाउट में जाती हूँ और देखिए आप अबाउट में जाने के बाद दिखा रहा हूँ कि लगभग समथिंग 3-4 साल उनका हो गया चैनल ओपन किए हुए समथिंग, और उनके चैनल पर ऑडियंस कितनी है, 30-35 हज़ार मतलब सब्सक्राइबर्स हैं। 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर कोई कम ऑडियंस नहीं होती, कम सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं, बहुत बड़ा नंबर्स होता है, कहने में आसान है कि 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स उनका जो टाइम ड्यूरेशन, जितना लंबा टाइम उन्होंने व्यतीत किया है, जितना लंबा टाइम यूट्यूब पर उन्होंने दिया, उस हिसाब से उनका चैनल ग्रो नहीं हुआ। तो एक ये हो गया, और एक दूसरा चैनल मैं उदाहरण के लिए दिखा रही हूँ आपके सामने, डिजिटल राज, समथिंग 1 ईयर हुआ है, अभी मैं क्लिक करके उनका भी अबाउट दिखा दे रही हूँ, मतलब पिछले साल ही उन्होंने 2020 में ही चैनल क्रिएट किया और आज उनके चैनल पे 50+ सब्सक्राइबर हो गए। क्यों? उनका जैसे नाम है डिजिटल राज, उसी तरीके से उनका वर्क भी है। तो आप उनके चैनल पे एक एक वीडियो पे 20,000, 25,000, 30,000 व्यूज आ जा रहे हैं, वैसे हफ्ते में, एक हफ्ते दो हफ्ते में या एक वीक्स या टू वीक्स में एक ही वीडियो डालते हैं, लेकिन जो भी डालते हैं क्वालिटी वीडियो डालते हैं, वॉइस वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी एंड कैमरा सब कुछ उन्होंने मैनेज करके रखा हुआ है, सबको वो यूज करते हैं और बहुत अच्छे से वीडियो में जो कुछ समझाना चाहते हैं मतलब बहुत अच्छे समझाते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब कोई 4 साल से वर्क कर रहा है, उसका 30-35 सब्सक्राइबर हुआ और कोई ओनली 1 ईयर में सब्सक्राइबर 50K कंप्लीट कर लिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर आप गेन कर सकते हैं या कितना ज़्यादा ऑडियंस आपको बन सकती है। इससे कोई मतलब नहीं होता कि कितनी वीडियो आप अपलोड करेंगे समथिंग अपने चैनल पर तो आपका चैनल ग्रो होगा। अब फ्रेंड्स समथिंग जैसे मैंने दिखा दिया कि उन्होंने 4 साल से अपने यूट्यूब पर काम किया तो उनके 30 अराउंड 35 के सब्सक्राइबर हुए, और डिजिटल राज, जो राज भाई है राजगुप्ता के नाम से जिनका एक और चैनल है, वो समथिंग 1 ईयर उनको काम करते हो गया लेकिन उनके 50K+ सब्सक्राइबर हो गए। तो अपना अपना ऑडियंस को समझाने का तरीका या पब्लिक को समझाने का तरीका होता है, पब्लिक जिसको जितना ज़्यादा देखना पसंद करे उनके चैनल को देखना कितना पसंद कर रही है, कितना उनका चैनल अचीव हुआ, कितना ज़्यादा उनका चैनल प्रोग्रेस हुआ वो आप समझ पा रहे हैं, और जो डिजिटल राज भाई हैं उनके चैनल को लोग कितना देखना पसंद करें। तो इसी तरीके से ये कुछ भी नहीं पता है कि आप अपने चैनल पर 10 वीडियो अपलोड करेंगे, 20 वीडियो अपलोड करेंगे, 25, 50, 100, 200 समथिंग। मेरे ही चैनल को ले लीजिए, मेरे चैनल पर 200 वीडियोज अपलोड हो गई लेकिन फ्रेंड्स अभी मेरा चैनल कहीं भी ग्रो होने का नाम नहीं ले रहा। एक वीडियो मेरी वायरल हुई थी आज के 3-4 महीने पहले, उसके बाद कोई भी वीडियो पे 1K व्यूज तक नहीं आया, फिर भी मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, रेगुलर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वैसे शायद समथिंग हो किसी दिन मैं वीडियो ना बना पाई हूँ, नहीं मेरा मतलब मेरा वीडियो पर डे एक वीडियो शाम के 6 PM पर आ ही जाता है और रेगुलर मैं वीडियो बनाती ही बनाती हूँ, ये मेरा एक लक्ष्य है, टारगेट है कि मुझे एक वीडियो पर डे अपलोड करना ही करना है। तो इसलिए इसका ये कहीं भी कोई भी रीज़न नहीं है, कहीं भी आपको ये नहीं पता है कि आप कितनी वीडियो अपलोड करेंगे तो होगा। आप 10 भी वीडियो अपलोड करेंगे तब भी आपका चैनल ग्रो सकता है, आप 100-200 वीडियो भी अपलोड कर लेंगे तब भी आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। ये कुछ भी पता नहीं है कौन सी वीडियो कब जाके यूट्यूब के एल्गोरिथम में बैठ जाए और कब कौन सी वीडियो वायरल हो जाए, इसका कुछ भी पता नहीं होता। तो आई होप आपका जो डाउट था कि मेरी कितनी वीडियो अपलोड करेंगे तो मेरा चैनल ग्रो होगा, वो आपका क्लियर हो गया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला और वीडियो अच्छी लगी हो और सच में आपको इससे थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो, चैनल पर पहली बार आया हूँ
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और एक लाइक कर दो। बिना टाइम वेस्ट किए मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी techkasara23 है। जो नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, वहाँ मैं 100% आपको रिप्लाई देती हूँ, बहुत सारे लोगों को देती हूँ, तो आपको भी दूंगी। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हो फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।